द साइंस ऑफ ग्रेटिंग रिच 1910 ईस्वी में लिखी गई एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल चुकी है। 100 से अधिक वर्षों के बीत जाने के बाद भी इस पुस्तक का महत्व कम नहीं हुआ है। लेखक का जन्म अमेरिका में हुआ था और अपने शुरुआती दिनों में उन्हें भारी तनाव, गरीबी एवं विफलताओं के दौर से गुजरना पड़ा था। अंततः उन्होंने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उन्हीं के शब्दों में, यदि आप अमीर, कामयाब एवं स्वस्थ बनने का निर्णय नहीं लेते हैं तो समझिए कि अनजाने में आपने गरीब, नाकामयाब एवं रोगी बनने का फैसला कर लिया है। लेखक के अनुसार यह पुस्तक हर उस स्त्री एवं पुरुष को धनवान बनाने के लिए लिखी गई है जो इस पर भरोसा एवं अमल करेंगे। इस पुस्तक में कुल 17 अध्याय हैं। पहला अध्याय, अमीर बनने का अधिकार। धन के बिना मनुष्य का पूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। लगातार विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है एवं धन के बिना मनुष्य का मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास असंभव है। अतः आज के इस अर्थयुग में धनी बनने के विज्ञान को जानना बेहद जरूरी है। कम में संतोष कर लेने से बड़ा पाप इस संसार में नहीं। जब आप बड़ी सफलता पाने की योग्यता रखते हो तो कम में संतोष क्यों किया जाए। प्रकृति भी उन्नति, प्रसार तथा विकास को पसंद करती है। धनी बनने की कामना हमारे जीवन के 3 अंग, तन, मन और आत्मा के विकास के लिए बेहद जरूरी है। शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ कठोर परिश्रम से मुक्ति, मन के लिए अच्छे साहित्य एवं अन्य मनोरंजन के साधन एवं आत्मा के लिए प्रेम अति आवश्यक है। और गरीबी में इन तीनों यानी तन, मन और आत्मा की संतुष्टि नहीं हो सकती, इसलिए धनी बनना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पहले तो आपके अंदर अमीर बनने की कामना होनी चाहिए, फिर ध्यानपूर्वक इसकी पूर्ति के लिए सहयोगी विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अध्याय नंबर 2, अमेरिका विज्ञान है। लेखक का कहना है कि गणित एवं भौतिकी की तरह ही अमेरिका भी नियम है। कोई भी इन्हें सीखकर एवं पालन कर अमीर बन सकता है। एक निश्चित कार्य प्रणाली के साथ लगातार प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने में इस कार्य प्रणाली का पालन करते हैं वे अमीर बन जाते हैं। अब की बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। अमीर बनना किसी विशेष वातावरण या पेशे का परिणाम नहीं होता। यहाँ तक कि अमीरी का संबंध बुद्धिमानी, विशेष योग्यता, प्रतिभा से भी नहीं है। अक्सर दुनिया में बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्ति कम प्रतिभा वाले के यहाँ नौकरी करते हैं। अमीरी कंजूसी से धन संग्रह करने का भी परिणाम नहीं है। अमीर बनने के लिए एक निर्धारित कार्य प्रणाली पर निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में अमीरों की संख्या कम और गरीबों की संख्या ज़्यादा को देखते हुए सवाल किया जा सकता है कि अमीर बनने का मार्ग कहीं कठिन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने अमीर बनने के लिए आवश्यक गुण हम सभी में पहले से ही डाले हैं। तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभावान, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान तथा कमजोर सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। यदि आपके शहर के एक आदमी अमीर बन सकते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। जिस काम में आपकी रुचि है, अगर आप उसी काम में हाथ डालेंगे तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि समान व्यापार में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है तो इसका सीधा अर्थ है कि आप दोनों के कार्य प्रणाली में अंतर है। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी के कार्य प्रणाली को अपनाना होगा। अध्याय नंबर 3, क्या अवसर एक एकाधिकार है। धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एक अधिकार नहीं है। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर देती है। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता, बल्कि उन लोगों की कार्यप्रणाली, सोच
तथा नज़रिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं। आपूर्ति के अभाव में यहाँ किसी को निर्धन नहीं रखा गया। प्रकृति के गर्भ में छिपी आपकी आवश्यकता से अधिक संपदा आपको आपूर्ति के लिए तैयार है। प्रत्येक वस्तु की रचना जिस मूल तत्व से हुआ है, विचार उस मूल तत्व का एक अंश मात्र है। अतः मूल तत्व भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। मूल तत्व जीवन को प्रचुरता यानी अधिकता की ओर प्रेरित करते हुए लगातार कार्य करता है। अध्याय नंबर 4, अमीरी के विज्ञान के प्रथम नियम। अनाकार तत्व से भौतिक वस्तुओं का निर्माण विचार का ही कार्य है। हम विचारों के संसार में जीते हैं जो विचार तत्व का एक अंश मात्र है। प्रत्येक निर्माण के विचार की तरंगों को विचार तत्व द्वारा ठोस आकार प्रदान किया जाता है, परंतु इसके लिए निर्माण से संबंधी पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना अनिवार्य होता है। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है, संसार में उसका अस्तित्व दृश्य अथवा अदृश्य रूप में कहीं न कहीं अवश्य होता है, जिसे अमीरी के विज्ञान का पालन करके आसानी से पाया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, जहाँ विचारों का जन्म होता है। हम जो कुछ भी बनाते हैं, उसका निर्माण सर्वप्रथम मस्तिष्क में होता है। बिना सोच विचार के किसी प्रकार के निर्माण संभव नहीं है। अभी तक हमारे सभी प्रयास शारीरिक श्रम द्वारा ही किया गया है। कोई भी निर्माण रूपांतरण अथवा परिवर्तन के द्वारा ही किया जा सकता है। विचारों के द्वारा अनाकार तत्व से निर्माण के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया है। हम अभी अपने विचारों की पूर्ति के लिए प्रकृति के साधनों पर निर्भर हैं। मनुष्य द्वारा ईश्वर की भांति निर्माण करने के विषय में अभी तक विचार तक नहीं किया गया है। शारीरिक श्रम के बिना नवनिर्माण के विषय में सोचने के लिए निम्न मौलिक तत्वों एवं विश्वास करना आवश्यक है। सभी चीज़ों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यदि वह मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार प्रकार में सब जगह मौजूद है, इस तत्व के अंदर जन्मे विचार के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मनचाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार करने की क्षमता रखता है। अपने मनपसंद कार्यों को करने से आप वह सोचना आरंभ कर देते हैं जिसे सोचकर आपको अच्छा लगता है। यदि अमेरिका पहला नियम है, हम वह सभी कुछ सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। मनुष्य के लिए ईश्वर का यह सबसे बड़ा वरदान है। अध्याय 5, जीवन विस्तार। विस्तार जीवन का लक्षण है। प्रत्येक जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर विस्तार खोजता है। जीवन के विकास हेतु विस्तार सदैव जारी रहेगा तथा रहना भी चाहिए। हमारा मस्तिष्क भी विस्तार पसंद करता है। प्रत्येक विचार एक नए विचार को जन्म देता है। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अमीर बने, ईश्वर भी यही चाहता है। आपके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करना उसका उद्देश्य है। आप में जीते हुए अंत संभावनाओं तथा जीवन की पूर्णता को वह सिद्ध करना चाहता है। इस महान कार्य में आप भी ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं। प्रकृति की अभिलाषा है आप भी वह सब कुछ पाएं जो आप पाना चाहते हैं। कुदरती तौर पर सभी कुछ आप ही का है। सर्वप्रथम इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य मात्र स्वार्थ के से प्रेरित न होकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के भाव से प्रेरित होना चाहिए। आपका लक्ष्य भौतिक मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन बनाए रखते हुए जीवन निर्वाह करने का होना चाहिए। जीने का यही तरीका सही है। कुदरती तौर पर हम सभी इस कला में माहिर होते हैं। याद रखें, अत्यधिक स्वार्थ तथा समर्पण भाव दोनों ही सफलता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। ईश्वर आपका बलिदान चाहता है। ऐसी दखियानुसा बातों पर भरोसा न करें। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है, जिसके माध्यम से आप सही मायने में अन्य लोगों
की भी मदद कर सकते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपको अमीर बनना होगा। अध्याय 6, लक्ष्मी आपके द्वार। ग्राहक को उसके द्वारा दी गई कीमत से अधिक मूल्य की वस्तु भी नहीं दी जा सकती, किंतु उसे उसके लिए अधिक उपयोगी एवं उच्च गुणवत्ता की वस्तु दी जा सकती है। प्रतिस्पर्धा छोड़कर जब आप निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोगों की मदद करना आपके लिए अधिक सरल हो जाता है। तब आप किसी अन्य से मुकाबला करना छोड़ स्वयं के साथ मुकाबला करना आरंभ कर देते हैं। यह तरीका सबसे अधिक सरल है। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, बस शर्त कि आपकी कामना के पीछे अन्य लोगों का लाभ भी छिपा हो। अधिक की कामना करने में घबराएं, शर्म अथवा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ईसा मसीह के अनुसार, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो मार्ग तुम्हें दिखाया जाएगा। परमपिता की भी यही इच्छा है। जीवन में प्रचुरता के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हम तक पहुंचाने का कार्य मूल तत्व ही कर रहा है तथा हमेशा करता रहेगा। आशाएं, आकांक्षाएं तथा अपेक्षाएं ईश्वर के वरदान हैं। ये ईश्वर के समान अनंत हैं, अतः इसकी पूर्ति ईश्वर ही कर सकते हैं। फिर यह अधिक की अपेक्षा करने में कैसा संकोच। अध्याय 7, कृतज्ञता। मनुष्य को एक निर्धारित लक्ष्य के लिए नियंत्रित एवं संतुलित करने की प्रक्रिया को आपके कृतज्ञतापूर्वक दृष्टिकोण के माध्यम से सरल तथा संभव बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम आपको यह विश्वास करना होगा कि सभी प्रकार की गतिविधियों का शुभारंभ बुद्धिमान तत्व से ही होता है। दूसरा, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र यही तत्व मूल स्रोत है तथा तीसरा, इससे तालमेल बैठाने का एकमात्र तरीका है कृतज्ञता। दरिद्र यानी गरीब लोगों के पास कृतज्ञता का अभाव होता है। वे कहते नहीं थकते कि भगवान ने उनके भाग्य में गरीबी लिखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वे परमेश्वर द्वारा उनके लिए तैयार किए गए विशेष कार्य में निरंतर बाधा डालते रहते हैं। आज जितनी भी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, वे सभी एक पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आपकी ओर यात्रा कर रही हैं। आपकी कृतज्ञता इस यात्रा की गति को बढ़ाने के साथ साथ आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के आप तक पहुंचने और अधिक रास्ते खोल देती हैं। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को नकारात्मक एवं घातक विचारों से भी बचाती हैं। अध्याय 8, सोच निर्धारित दिशा में। मनचाहे को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होगा, तभी आपका मस्तिष्क इससे संबंधित तरंगों का प्रेक्षण करने में कामयाब हो पाएगा। अनेक लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वे पहले से ही परिणाम की अपेक्षा करते हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर वे हमेशा दुविधा की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में विचार तत्व अपनी बात पहुंचाने में असफल हो जाते हैं तथा जाने अनजाने में अपने सपने से हाथ धो बैठते हैं। जब आप अविश्वास एवं शंका के साथ अपने विचार पर कार्य करना आरंभ करते हैं तो अपनी विफलता को आप पहले ही सुनिश्चित कर चुके होते हैं। हमेशा बड़ा सोचिए। आप अपने भविष्य को वर्तमान की भांति अनुभव करना आरंभ कर दें। अपने लक्ष्य पर नज़र जमाए रखें और फुर्सत के क्षणों में अपने विचारों को निरंतर पोषित देते रहें। आपका रोम रोम लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित एवं आनंदित रहना चाहिए। ऐसे में आपका मस्तिष्क कंपन करना शुरू कर देता है। इसमें विशेष प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होनी शुरू हो जाती हैं। अध्याय 9, इच्छाओं का सदुपयोग। इच्छाएं आपको अमीर बनने में भरपूर मदद कर सकती हैं। अपनी इच्छाओं का उपयोग खुद के लिए ही करें, दूसरों के लिए नहीं, चाहे उसमें उसकी भलाई ही क्यों न हो। अपनी इच्छाओं को सुनिश्चित दिशा में सोचने तथा मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करें।
एक समय में अपने विचारों को दसों दिशाओं में फैलाने का प्रयास नहीं करें। आपका विश्वास एवं उद्देश्य जितना अधिक गहरा होगा, आप उतनी ही तेजी से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए गरीबी का अध्ययन किया जाए। अध्याय नंबर 10, सफलता का बीज। अपने अपने का विरोध करते हुए अथवा विपरीत दिशा में कार्य करते हुए उसके साकार होने की आशा करना बेकार है। बीते हुए कल की परेशानियां या संघर्षों के बारे में अधिक मत सोचो। अपने पूर्वजों की कमजोरी, आर्थिक स्थिति तथा कठिनाइयों की बार बार चर्चा नहीं करें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क हीन भावनाओं से ग्रसित होना शुरू हो जाएगा। परिणाम स्वरूप यह आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा कर देता है। अच्छी बातों को सीखने में समय लगेगा। निराशाजनक सूचनाएं देने वाले लोगों या पत्र पत्रिकाओं से दूर रहें। ईश्वर ने सफलता का बीज आपके मस्तिष्क में डाला है। दिन रात सकारात्मक विचारों से उसे पोषित करें। नकारात्मकता से उसकी रक्षा करें। उसके लिए वातावरण तैयार करें ताकि वह उचित दिशा में सही प्रकार से बुद्धि कर सके। सफलता के शिखर पर पहुंचना मानव जीवन का महानतम लक्ष्य है। प्रतियोगिता के मार्ग में होते हुए अमीर बनने का प्रयास करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। पर यदि कार्य जब रचनात्मक विचारों के साथ किया जाए, सभी कुछ बदल जाता है। बस आपको अपने सपने पर डटे रहना है।